थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और दूसरा पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और हमने तिमोथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। जी हाँ, विश्वासियों के चिंता के कारण ही उसने तिमोथियुस को थिस्सलुनीकी के कलीसिया के पास भेजा, अर्थात थिस्सलुनीकी नगर को भेजा, और उसने लिखा कि वह हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। सेवा का क्षेत्र मसीह का सुसमाचार है। पौलुस एकमात्र भला मनुष्य ही नहीं था, कभी कभी रूढ़िवादी, परमेश्वर के वचन के प्रसारण के कारण आलोचना के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही एक मुख्य बात है। अतः हमें सुसमाचार के सामाजिक पक्ष पर ध्यान न देने के कारण बुरा कहा जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई महान सामाजिक अभियान नहीं हुआ है जो सुसमाचार प्रचार में आधारित न रहा हो? बाल श्रम के कानून वेस्ली की महान सभाओं के परिणाम स्वरूप प्रतिपादित किए गए थे। आज श्रमिकों के कल्याण के कार्य भी वेस्ली के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, यद्यपि वे स्रोत से इतना दूर हो गए थे कि वे उसे पहचानते ही नहीं हैं। अस्पतालों में भी परमेश्वर के वचन के प्रचार का प्रभाव है। यदि मनुष्य मसीह के सुसमाचार के संदेश के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएगा तो उनका जीवन बदल जाएगा और अन्य सब बातें उस परिवर्तन से उभरेंगी। जी हाँ, हमारे कल्याण कार्यक्रमों में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? सीधा सा कारण है कि वे मसीह यीशु में आधारित नहीं हैं, और यही कारण है कि लोग अपने मनमाना रीति से कार्य करते हैं और उस कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। मुक्त विचारक जो हमारी आलोचना करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वे ही भले मनुष्य हैं। क्या आप किसी ऐसे भले मनुष्य को जानते हैं जिसने कभी भलाई की हो? वे क्या करते हैं? वे विचार और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। वे मानव उत्थान का काम नहीं करते हैं। वे बच्चों को नशे से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। एक कलीसिया युवतियों को गर्भ निरोधक गोलियां बांट रही थी। आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की सेवाएं हैं। पौलुस कहता है कि तिमोथियुस एक सेवक है और वह प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचारक है, इसलिए हमारा भी सेवा क्षेत्र यही होना चाहिए। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रसारित किया जाता है, तब तब बहुत भलाई होती है। और मेरे पास इन भले मनुष्यों की एक ही आलोचना है कि वे भलाई नहीं करते हैं। वे मनुष्यों की सहायता नहीं कर रहे हैं, उनका उत्थान नहीं कर रहे हैं, केवल मसीह का सुसमाचार यह काम कर सकता है। मेरे मित्रों, पौलुस ने थिस्सलुनीके में प्रचार किया और परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा ने वहां विश्वासियों का समूह कलीसिया तैयार की। उस कलीसिया के साथ पौलुस ने माँ, पिता और भाई की भूमिका निभाई। क्लेशों के कारण पौलुस को वहां से आपातकालीन स्थिति में कूच करना पड़ा। अतः पौलुस उन्हें मसीही विश्वास की पूरी शिक्षा न दे पाया था। इसके परिणाम स्वरूप उन विश्वासियों के मन में अनेक प्रश्न थे, जिन्हें लेकर तिमोथियुस और सिलास पौलुस के पास आए। पौलुस की हार्दिक इच्छा थी कि वह स्वयं उनके पास जाए, परंतु बैरी अर्थात शैतान उसके मार्ग की रुकावट बना हुआ था। इस कारण पौलुस उन्हें पत्र लिखकर प्रभु यीशु के आगमन और कलीसिया के उठाए जाने के विषय समझाकर पत्र लिखता है और तिमोथियुस के हाथ में भेजता है, और एक प्रकार से तिमोथियुस को प्रमाण पत्र भी देता है।
पौलुस कहता है कि वह अपने भाई तिमोथियस को, जो परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेज रहा है कि वह तुम्हें स्थिर करे। यही अद्भुत शब्द निर्गमन की पुस्तक में काम में लिया गया है। जब मूसा पर्वत पर हाथ उठाकर इसराइल की विजय के लिए प्रार्थना में लगा हुआ था, तो हम पढ़ते हैं निर्गमन 17 अध्याय उसके 12 पद में, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रखा और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक आलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मेरे मित्रों, इस पद में संभालते शब्द ठीक वही शब्द है जो मूल भाषा में पौलुस काम में लेता है, स्थिर। उसने तिमोथियस को वहां भेजा कि उन्हें संभाले, उन्हें स्थिर करे, उन्हें विश्वास में स्थिर करे। आज भी विश्वासियों को यह आवश्यकता है, उन्हें विश्वास में स्थिर किया जाना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के वचन से ना हटे परंतु उसमें बढ़ते जाएं और स्थिर होते जाएं। विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, यहां समझाने का अर्थ है प्रोत्साहित करे। पौलुस ने तो तिमोथियस को वहां भेजा कि उन्हें विश्वास के विषय में प्रोत्साहित करे और उन्हें परमेश्वर के वचन को और भी स्पष्ट रीति से समझाकर उन्हें बताए। आइए हम पढ़ें पहला थिस्लोनिकों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। यह एक कठिन बात है कि कोई क्लेशों में डगमगा ना जाए। यहाँ क्लेशों का अर्थ है बोझ, दबाव और तनाव। यहाँ पौलुस एक अति अद्भुत बात करता है, हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। हम जानते हैं कि हमें आंधियों का सामना करना है, चाहे ये आंधियां क्षणिक ही क्यों ना हो, हमें इनका सामना करना है। हमें यहाँ कष्ट उठाने होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसे स्पष्ट करता है। पौलुस थिस्लोनिकी के विश्वासियों से आशा करता है कि वे क्लेशों में भी प्रभु यीशु के लिए खड़े रहेंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे और दृढ़ता से उन क्लेशों का सामना करेंगे। धर्मशास्त्र के अन्य अंश भी इसकी शिक्षा देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जी हाँ, हमें क्लेश अर्थात कष्ट उठाना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। परंतु प्रभु यीशु कहता है ढाड़स बांधो, क्लेशों में साहस रखो अर्थात हिम्मत ना हारो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। यदि आप मसीह यीशु के अनुयायी हैं तो आप कष्टों से बच नहीं सकते। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं कि हमने कष्टों के विरुद्ध बीमा करवा लिया है। सच तो यह है कि परमेश्वर की संतान बनने के बाद आपको कष्ट उठाने होंगे, चाहे आपको उससे पूर्व कोई कष्ट ना रहा हो। उसने हमें यह प्रतिज्ञा नहीं दी है कि हम आंधी से बच जाएंगे, परंतु यह कि हम आंधियों का सामना करेंगे। उसने निश्चयात्मक रूप से जो कहा है वह यह है कि वह आंधियों में हमारे साथ होगा और हमें पार लगाकर तट तक पहुंचाएगा। जिस नाव में प्रभु यीशु हो वह सागर के तल में नहीं जाएगी, वह दूसरी ओर अवश्य पहुंचेगी। आप और मैं पार होने की प्रक्रिया में हैं। मेरे मित्रों, हम दूसरा तिमोथियस की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस पुनः कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसमें यदि
और या परंतु नहीं है। हम पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 से 19 में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराय काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। मेरे मित्रों, चिंता का समय वह होता है जब आकाश में बादल ना हो, समुद्र में ज्वार ना हो, सब कुछ शांत एवं मनोहर हो, तब आप अपने उद्धार पर शंका व्यक्त करेंगे। परंतु यदि आपको इस संसार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, यदि आप पर जीवन के दबाव और तनाव हो, तो यह परमेश्वर की संतान होने के चिन्ह हैं। इनके द्वारा परमेश्वर हमें उस पर निर्भर करने की शिक्षा देता है, ताकि हम उस पर आशा लगाए रखें। आइए हम आगे पढ़ेंगे। पहला थिस्लोनिकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। मुझे एक कलीसिया का स्मरण है कि वहाँ के पास्टर ने एक मनपसंद बाइबल पद को पूछा। एक सदस्य खड़ा होकर बोला, और ऐसा हुआ। सब आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगे। पास्टर ने पूछा कि वह उसका मनपसंद पद कैसे है। उसने कहा, जब मैं परेशानियों में फंस जाता हूँ तब मैं बाइबल खोलकर इसी को देखता हूँ, और ऐसा हुआ। तब मैं जानता हूँ कि मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मेरी परेशानियाँ स्थायी रूप से नहीं आई हैं। परमेश्वर हमें आंधियों में पार लगाएगा। हम अंततः सब परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, उसने चाहे उस पद को प्रसंग में नहीं रखा, परंतु उसकी थियोलॉजी निश्चय ही सही थी और पौलुस से सहमत थी। क्लेश का अर्थ कष्ट से है, इसका अर्थ महाक्लेश नहीं है। हम सबको यहाँ थोड़ा कष्ट तो उठाना ही होगा। ये कष्ट इस उद्देश्य से हैं कि हम परमेश्वर के निकट आ जाएं। इनके कारण विश्वासियों के जीवन में पवित्रता अर्थात शोधन कार्य होता है। जी हाँ, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तब हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं। हम उसके साथ में प्रार्थना में परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यहाँ पर परीक्षा करने वाले अर्थात शैतान।
अध्याय 2 में पौलुस कहता है, शैतान हमें रोके रहा। दूसरे शब्दों में पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से कह रहा है कि शैतान उसे कठिन समय दे रहा है और उसे डर है कि वह उन्हें भी कठिन समय दे रहा होगा। क्लेश आने का एक और उद्देश्य है कि विश्वास की सत्यता को परखा जाए। कष्ट विश्वास की अग्नि परीक्षा होते हैं। कुछ सच्चे विश्वासी हैं तो कुछ नकली विश्वासी भी हैं। विश्वास की वास्तविकता तब ही प्रकट होती है जब परमेश्वर में विश्वास के द्वारा कष्ट उठाए जाएं। कष्ट सच्चे विश्वासियों को प्रकट करते हैं और यह पौलुस के अनंत आनंद का अवसर था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, पर अभी तिमोथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो जैसा हम भी तुम्हें देखने की। यह एक अद्भुत बात थी कि पौलुस को उनका शुभ समाचार मिला। वे कष्ट सहन कर रहे थे, वे पीछे नहीं हटे थे। तब हम आगे पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। अपने सारे दुखों में पौलुस उन्हें बताता है कि उसे भी दुख और क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है। उनका शुभ समाचार पाकर उसे भी शांति मिली है। तब हम आगे देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि हम जीवित हैं, अर्थात विश्वासी होने के कारण हम जीवन का आनंद लेते हैं। यदि शब्द इसे वास्तव में क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु में स्थिर हो, कष्टों में भी आप आनंद मना सकते हैं। परंतु यह सदा ही आसान काम नहीं है। मेरे प्रियो, हम पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पत्रस भी कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मसीही विश्वासी होकर आप पराजित नहीं हो सकते। आप पर कष्ट आए तो भी वह आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, या तो आप ही निश्चित जान लेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा है और आप उसमें बलवंत किए जाएंगे। पौलुस निरंतर विकास की विनती करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। ध्यान दीजिए, आनंद जीवन से जुड़ा है और दुख मृत्यु से। तथापि दुख हृदय के आनंद मनाने की क्षमता को बढ़ाता है। पौलुस चाहता था कि थिस्सलुनीके के विश्वासी आनंद मनाना सीखें। विश्वासी होना एक अद्भुत बात है, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा से होता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और हम उसमें दृढ़ किए जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुख देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। थिस्सलुनीके में पौलुस के परिश्रम में बड़ी अशिष्टता से रुकावट आई थी। उसे नगर से खदेड़ा गया था, परंतु वह सेवा हेतु वहां फिर से लौटना चाहता था। पौलुस उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना चाहता था।
वह चाहता था कि थिस्सलुनीकी के विश्वासी प्रभु के वचन में दृढ़ किए जाएं, कष्ट के समय में वे स्थिर किए जाएं, और यही कारण था कि वह उनके पास फिर से जाना चाहता था। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। ओह, पौलुस उनमें अर्थात उनके बीच में लौट आने के अवसर के लिए कैसे प्रार्थना करता है। जी हाँ, जब आप किसी विश्वासी से सचमुच में प्रेम करते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो निश्चय ही आप उस महान प्रेम से भर जाते हैं और उनसे आप मिलना चाहते हैं। और यहाँ पर पौलुस के साथ भी ऐसी ही बातें घटित हो रही है। वह चाहता है कि थिस्सलुनीके के विश्वासियों के साथ में वह संगति करे, उनके बीच में जाए और वचन के द्वारा उन्हें और भी शिक्षा प्रदान करे। मेरे प्रियो, क्या आज हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार का प्रेम है? क्या हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार हम वचन को बांटने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए लालायित रहते हैं? आज कई बार जब हम अपनी कलीसियाओं को देखते हैं, हमें दुख होता है।